My name is Komal Gupta and I have secured All India Rank 226. जोरदार तालियां। चलिए आज एक और अपनी नई स्टूडेंट से मिलते हैं, कोमल गुप्ता, जो कि यूपी गाजियाबाद से हैं और कोमल की ऑल इंडिया 226 रैंक है और कोमल को एनआईटी कैलीकट अलॉट हुआ है। तो कोमल, सबसे पहले आपको इस रैंक एनआईटी कैलीकट के लिए ढेर सारी बधाई। थैंक यू सो मच सर, मतलब और आपको भी और प्रतीक सर को बहुत बहुत धन्यवाद। और फिर मेरे फैमिली का तो हमेशा से पूरा सपोर्ट रहा, मतलब मेरे मम्मी ने, मेरे पापा ने, मेरा बड़ा भाई भी है जिससे मुझे काफी गाइडेंस मिली, और क्योंकि मैं ज्वाइंट फैमिली में रहती हूँ तो ग्रैंड पेरेंट्स का भी पूरा सपोर्ट रहा। वेरी गुड कोमल, मुझे बहुत अच्छा लगा जब बच्चे ये बोलते हैं कि उनको जो ये जो सक्सेस मिली है उसमें किन किन का रोल है, तो मुझे बड़ा अच्छा लगता है। देखिए क्या होता है कि एक सक्सेसफुल होने में केवल हम अकेले नहीं होते, हमारे साथ का सराउंडिंग एरिया बहुत होता है और सबसे इंपॉर्टेंट होती है फैमिली, क्योंकि आपको फैमिली ने इतना अच्छे से सपोर्ट किया और इनफैक्ट आपने ऑनलाइन घर रह के प्रिपरेशन किया, तो फाइनेंशियल सपोर्ट के अलावा इमोशनल सपोर्ट, साइलेंट सपोर्ट, आपको डिस्टर्बेंस ना करना, बहुत सारे ऐसे सपोर्ट हैं जो आपको मिले होंगे, जिसको आप फील करते होंगे। तो ये बहुत ही अच्छी बात है कि आपने इस बात को समझा। तो कोमल, आप अपनी सक्सेस जर्नी बताइए मुझे, क्योंकि आपने बीसीए फाइनल ईयर के साथ ये रैंक अचीव की है और बीसीए फाइनल, अब देखिए इम्पिटस में एक अच्छी चीज ये कि बच्चा कभी भी ज्वाइन करता है तो वो चाहे वो फाइनल में हो चाहे वो फाइनल ईयर के बाद, वो अच्छा रिजल्ट तो देता ही है। और दूसरा, अब एक माइंडसेट बच्चों का चेंज होता जा रहा है कि पहले सोचते थे फाइनल ईयर हो जाएगा फिर हम जाके क्लास करेंगे, पर ऑनलाइन ने ये चीज को बदल दी। तो आपने कब निमसेट के लिए सोचा था, फिर कैसे प्रिपरेशन की, क्या आपका प्लानिंग रहता था, कैसे स्टडीज आप करते थे, किस ढंग से कॉलेज की और इसकी भी, कौन कौन सी बुक्स आपने सॉल्व की, वो सब मुझे बताइए अपनी पूरी सक्सेस जर्नी इंटायर, क्योंकि लोग यही सुनते हैं, बच्चे चाहते हैं सुनना और फिर उस ढंग से वो फॉलो भी करते हैं। ये सेशंस कई लोगों की लाइफ को पूरी तरह से चेंज कर देते हैं। हाँ सर, और मतलब मैंने भी जब 2020 के स्टूडेंट्स आए थे तो मैंने भी सबके सेशन सुने थे और डेफिनेटली बहुत अच्छा लगता है। और जब कोई ऑनलाइन स्टूडेंट लगता है, क्योंकि हम ऑनलाइन से रिलेट कर पाते हैं, ज्यादा ऑनलाइन हो गया तो ऑनलाइन से और समझ में आता है कि कैसे पढ़ना चाहिए जो भी। तो मैंने 11th 12th में कॉमर्स लिया था, कॉमर्स विद मैथ्स था मेरे पास, बट 12th के बाद कॉमर्स में मेरा उतना इंटरेस्ट रहा नहीं तो मैंने बीसीए ले लिया, और वो एक ऐसे रैंडम डिसीजन था, कुछ सोचकर नहीं लिया था। बट बाद में फिर सौरभ शुक्ला सर के वीडियोस देख के मैंने सी लैंग्वेज लर्न करना स्टार्ट किया तो मुझे वो काफी इंटरेस्टिंग लगा, फिर लगा कि इसके साथ ही कंटिन्यू करना है। और फिर ये सोचा कि आगे अगर एमसी करेंगे तो कहाँ से कर सकते हैं, तो निमसेट एग्जाम के बारे में देखा। तो एक तो सर फिर यही था कि फाइनल ईयर के साथ जैसा आपने बोला, यही लगता है एक माइंडसेट ही होता है कि ग्रेजुएशन के बाद ही हम कोचिंग लेंगे या जो भी है। अभी काफी साल से हम देख रहे हैं कि आने लगे हैं, मतलब फाइनल ईयर के साथ स्टूडेंट होने लगे, नहीं तो बैंकिंग वगैरह में जनरली यही सुनते हैं किसी भी फ्रेंड से या किसी से भी कि ड्रॉप के बाद हम प्रिपरेशन करेंगे। तो सेकेंड ईयर में आके मेरे को सौरभ शुक्ला सर के चैनल के थ्रू ही पता चला इम्पिटस गुरुकुल का, और फिर मैंने सेकेंड ईयर के मिड में, जब मेरा थर्ड सेमेस्टर ओवर होने वाला था, तब पेन ड्राइव ले लिया था। और बाद में फिर लाइव क्लास भी आ गया, लकीली उससे तो बहुत ही बेनिफिट हो गया, तो फिर लाइव क्लास भी ज्वाइन कर लिया, तो इसी के थ्रू आगे बढ़ा। देखो कोमल, बहुत अच्छी बात आपने बोली। बहुत सारे बच्चे बोलते हैं, मैंने कई सारे जब सेशन डाल दिया उसके बाद कुछ बच्चों के मैसेज आए कि सर उन बच्चों से ही मिलवाइए जिनका मैथ्स बैकग्राउंड नहीं था। आप उनमें से एक हो जिनका मैथ्स बैकग्राउंड नहीं था 11th 12th में, है ना? नहीं सर, कॉमर्स के साथ मैंने 11th 12th में मैथ्स लिया था। हाँ, पर कॉमर्स लेने में क्या होता है, कई बार आप मैथ्स को थोड़ा सा वैसे नहीं पढ़ते जैसे कि पीसीएम वाले बच्चे जेई के लिए पढ़ते हैं। हाँ, बिल्कुल, मतलब वो केवल पास होने के हिसाब से पढ़ते हैं, कई बच्चे तो प्योर कॉमर्स वाले भी रहते हैं। तो नॉर्मली जो मेरा ऑब्जर्वेशन है, तो आपने जब ये डिसीजन लिया तो थोड़ा सा एक तो मैथ्स से भी फाइट थी, पर आपने एक तो अच्छी बात यह कि पहले पेन ड्राइव लिया फिर लाइफ से जुड़ गए। तो आपको कभी किसी चीज की किस किस चीजों पे आपने बहुत ज्यादा फोकस करा और क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंट आपको लगी जो आपने करी, क्योंकि आप बहुत अच्छी बात बोला, आपने थर्ड फोर्थ सेमेस्टर से पढ़ना स्टार्ट कर दिया था। तो वो बच्चे जो कई बार सोचते रहते हैं पर डिसीजन नहीं लेते, तो आप अपना एक्सपीरियंस मुझे बताओ कि आपने मतलब ये जब लिया उसके बाद प्रिपरेशन किस ढंग से की। सर मतलब जब पेन ड्राइव कोर्स ले लिया था तो पहले से ही मेरा बहुत डेडिकेटेड था, मतलब जब पेन ड्राइव आने वाला था तभी से मेरे को बहुत एक्साइटमेंट का था कि कब जल्दी से पेन ड्राइव आएगा। तो पेन ड्राइव आने के बाद से ही मेरे, उस टाइम पे मुझे याद है मेरे एग्जाम्स चल रहे थे तो मैंने कॉलेज के एग्जाम के बीच में अपना पेन ड्राइव स्टार्ट कर लिया था, उसको थोड़ा टाइम लगता है एक्टिवेशन में। और उसके बाद जैसे एग्जाम्स ओवर हो गया तो मैंने पढ़ना स्टार्ट कर दिया, जैसा कि उसमें आपने इंट्रोडक्शन वीडियो में बताया हुआ कैसे कैसे स्टार्ट करना है, लाइक पहले एलजेब्रा से फिर टिग्नोमेट्री फिर कैलकुलस से कंटिन्यू करना है, वैसे ही किया।
और फिर दिसंबर जनवरी में लाइव क्लास आ गया तो मैं उसी के थ्रू पढ़ती थी। तो जैसे कि कोई भी चैप्टर आने वाला है लाइक ट्रिग्नोमेट्री या कुछ भी जो भी आने वाला है उसको मैं पहले थोड़ा बहुत पेनड्राइव से पढ़ लेती थी और उसके बाद मैं फिर उसको लाइव क्लास में देखती थी। और सर मुझे ये चीज बहुत जरूरी लगती है कि आपको अपने अकॉर्डिंग पता होना चाहिए कि हमें किसी भी टॉपिक पे कितना वर्क करने की जरूरत है। मतलब आप इस चीज में किसी और से कंपेयर ना करें कि कोई किस चीज को कितने जल्दी ग्रास्प कर रहा है। अगर आपको लग रहा है कि आपको ज्यादा टाइम देने की जरूरत है तो आप डेफिनेटली दीजिए। जैसे कि लाइव क्लास के बाद भी मैं लाइव क्लास की रिकॉर्डिंग कई बार ऐसा होता था कि मैं बार बार सुनती थी क्योंकि मेरे को ऐसा लगता है कि मेरे को एक बार में एकदम से चीजें नहीं समझ में आती है। तो इसी तरीके से मैंने प्रिपरेशन किया। फिर इतने सारे डीपीटीज और टेस्ट तो मिलते ही थे तो मैं उन्हीं को बार बार सॉल्व करती थी। और जैसे कि संडे टेस्ट आने वाला होता था तो उसी के एक तो प्रॉपर इतना अच्छा रूटीन हो गया था ना, मंडे टू फ्राइडे मतलब पूरा दिन ऑक्यूपाइड ही रहता था। और सबसे अच्छी बात यह है कि ऑनलाइन में जनरली अभी जैसे कि कोरोना आया था तो मेरे जितने भी फ्रेंड्स हैं लाइक कोई अगर कैट की प्रिपरेशन कर रहा है या किसी और एग्जाम की भी तो सब लोग यही बोल रहे थे कि लाइफ इतनी बोरोटरस हो गई है और कोरोना ने ऐसा कर दिया। बट लेकिन कोरोना मेरे लिए बहुत मतलब कोरोना का टाइम मेरे लिए बहुत बेस्ट टाइम रहा। मुझे लिटरली पता ही नहीं चला ये टाइम कैसे चला गया पढ़ते पढ़ते। तो इसी तरीके की ऑनलाइन क्लासेस भी ऐसी होती है कि लाइव क्लास जैसी लगती है जैसे हम क्लासरूम में बैठे हैं। हाँ बिल्कुल सर ऐसा ही लगता था। मतलब पूरा दिन ऐसा कि सुबह 8 बजे प्रतीक सर की क्लास होती थी फिर उसके बाद उसका थोड़ा पढ़ा फिर दोपहर के टाइम में टेस्ट स्टार्ट हो जाते थे फिर 4:30 बजे से फिर मैथ्स की क्लास होती थी फिर उसका पढ़ा और फिर क्योंकि मैं फाइनल ईयर के साथ कर रही थी तो थोड़ा बहुत कॉलेज का जो भी टास्क रहता है उसको भी देखना। तो इस तरीके से रहता था। कोमल अभी आपने बहुत अच्छी बात बोली जो कई लोग नहीं मानते। जैसे आपने बोला कि आपने तो बताया भी है कि आपका मैथ्स क्योंकि लिया जरूर था पर उतना वर्क नहीं किया था कि हर बच्चे का अपना अपना तरीका होता है। कई लोग बहुत जल्दी हिम्मत हार जाते हैं पर आपने बोला और एक्चुअल में भी यही करना चाहिए बच्चे और मैक्सिमम बच्चे करते भी इम्पिटस में मैक्सिमम बच्चे पेनड्राइव विद ऑनलाइन वाले हैं। तो आपने जो बात बोली कि पहले आप वो टॉपिक जो क्लास में होने वाला था पेनड्राइव से देखते थे फिर लाइव करते थे और लाइव समझ में नहीं आती थी दोबारा देखते थे, यानी ये आपको अपनी कमजोरी आपको पता थी और आपने उस पर मेहनत की। कई बच्चे ऐसा करते हैं कि जरा सा समझ में नहीं आया निराश होने लगते हैं क्वेश्चन करने लगते हैं क्या होगा या एक बार पढ़ के ही। पर देखो आपने अपने आप से चीज करी कि पहले आप पेनड्राइव से देखी फिर लाइव और उसके बाद भी नहीं आई तो देखा और यही रीजन है कि आपने इतने कम समय में मैथ्स पे वर्क किया क्योंकि ये जो रैंक लाना है बिना मैथ्स के इतनी अच्छी रैंक लाना पॉसिबल नहीं होता और इतने कम समय में लाना घर पर रह के वो ये कि आपका बहुत क्लियर कंसेप्ट था कि जो चीज नहीं आती उसको बार बार देखना है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कोमल। तो आप ये बताओ आप अपने जूनियर्स को क्या मैसेज जाओगे क्योंकि आप एक बहुत अच्छे मोटिवेशनल हो। आपका जो बोलना है या आपने जो अचीव किया है वो अपने आप में एक बहुत बड़ी उपलब्धि है क्योंकि घर में रहते हुए मैथ्स वीक होते हुए सब करते हुए भी। तो आपका जूनियर्स के लिए क्या मैसेज होगा? सर मुझे सबसे पहले लगता है कि पढ़ाई करते वक्त आप बहुत ज्यादा पेशेंस रखिए। कई बार हम पहले दिन से ही ये एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं कि हमें वो प्रोफिशिएंसी मिल जाए मतलब जो एक चैप्टर को बहुत टाइम देने के बाद आती है या एकदम से हमें क्यों नहीं बन रहा है। तो आप लर्निंग के दौरान बहुत पेशेंस रखिए, चीजें धीरे धीरे टाइम से आएंगी ऐसे ही नहीं आएंगी। और दूसरा ये है कि डिसिप्लिन रखिए मतलब और कोई भी एग्जाम को देने से पहले जब आप डिसाइड कर रहे हैं कि एग्जाम देना है तो जान लीजिए वो एग्जाम पूरी तरीके से क्या है। कई बार ऐसा होता है किसी ने हमें बता दिया उस एग्जाम के बारे में, हम उसका प्रिपरेशन करना स्टार्ट कर देते हैं और उसकी प्रिपरेशन में कभी इन्वॉल्व नहीं हो पाते, उतना ज्यादा इंटरेस्ट नहीं आ रहा होता। मतलब हो सकता है आपको उस एग्जाम की गाइडेंस ना हो बट उसके बाद भी आप देखिए कि ये चीज मेरे लिए ठीक है कि नहीं है और अगर ऐसा हुआ तो डेफिनेटली आपको एग्जाम की प्रिपरेशन में मजा आएगा। बिल्कुल सही बात है कोमल, बहुत अच्छी बात बोली कि हर एक चीज को जानना बहुत जरूरी है समझना बहुत जरूरी है। तो कोमल आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। आप ऐसे ही खूब मेहनत करो, अब NIT कैलीकट में भी ऐसे ही परफॉर्म करो और अभी आप देख रहे हो कि आपके सीनियर्स बच्चे जो प्लेस हो रहे हैं उनके भी मैंने सेशंस लिए हैं वो भी आप देखिए, वो आपको प्लेसमेंट में बहुत हेल्प करेंगे क्योंकि जैसे आपने पिछले साल जब 2020 के ऐसे इंटरव्यू देखे थे तो उनने आपकी लाइफ चेंज कर दी। आज ये देख के कोई और आपको देख के अपनी लाइफ में चेंज लाएगा तो ऐसे आप उन इंटरव्यू को देखोगे तो आपकी लाइफ में बहुत जल्दी बहुत चेंज आएगा। ऐसी एक बहुत अच्छा सा प्लेसमेंट लेना है आपको और हम फिर मिलेंगे, आप जब भी मौका लगे भोपाल जरूर आइए। वंस अगेन ऑल द बेस्ट एंड कॉन्ग्रेचुलेशन। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। थैंक यू बेटा।